नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। महबूब देव करीब दो साल से पंजाब की जेल में बंद मऊ के बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी वापस लाने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मुख्तार अंसारी वापस उत्तर प्रदेश आएगा या फिर वो पंजाब की जेल में बंद रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने मुख्तार अंसारी और दुष्यंत दवे ने पंजाब सरकार का पक्ष रखा, तो दूसरी तरफ यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जिरह की और इसमें दुष्यंत दवे ने कहा कि पंजाब सरकार को मुख्तार से कोई सहानुभूति नहीं है और कोर्ट के आदेश पर ही मुख्तार पंजाब में है। दवे ने यूपी सरकार की याचिका को संवैधानिक बताते हुए कोर्ट से अर्जी को खारिज करने की अपील की, जबकि मुख्तार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि विपक्षी पार्टी होने की वजह से ही उसे निशाना बनाया जा रहा है। रोहतगी ने कहा कि यूपी में मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है और इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसकी पेशी करवाई जाए और मुख्तार के केस दिल्ली ट्रांसफर होने पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि राज्य के पास भले ही मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन राज्य सरकार नागरिकों और पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करती है और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करती है और कोर्ट को उस कसौटी पर अमल करने की जरूरत है। तुषार मेहता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की पेशी की मांग पर विजय माल्या का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे तो विजय माल्या का भी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संभव है और उसे भारत लाने की जरूरत ही नहीं। तो कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और फैसले पर अब निगाहें हैं कि आखिर क्या फैसला आता है और क्या मुख्तार पर सुप्रीम कोर्ट अपना पक्ष रखता है। आज मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास और उमर अंसारी पर एक बार फिर लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पहुंचे। दोनों के साथ उनके वकील भी मौजूद थे। हजरतगंज कोतवाली में पुलिस ने अवैध संपत्ति के मामले में मुख्तार के दोनों बेटों से पूछताछ की। मुख्तार के बेटों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में अवैध संपत्ति पर कब्जे और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिससे पहले भी पूछताछ उन दोनों से हो चुकी है। तो एक तरफ जहां मुख्तार अंसारी पर सुनवाई चल रही है यूपी लाने के लिए, वहीं मुख्तार के दोनों बेटों से आज पूछताछ हुई। सुप्रीम कोर्ट से दोनों को अग्रिम जमानत मिली हुई है, लेकिन आज उन्हें बुलाया गया लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में। वकील के साथ उमर और अब्बास अंसारी पहुंचे थे। अवैध संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज है और पुलिस ने मुख्तार अंसारी के बेटों से पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट से दोनों को अग्रिम जमानत मिली हुई है। तो अंसारी परिवार की मुश्किलें अभी लगातार बढ़ी हुई हैं। एक तरफ मुख्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा कि मुख्तार अंसारी को यूपी भेजना है या नहीं भेजना है, वहीं उसके दोनों बेटों से पूछताछ हुई। लखनऊ में 6 जनवरी को हुए अजीत सिंह हत्याकांड में बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ अब पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ धनंजय की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जहां दबिश दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब यूपी सरकार धनंजय सिंह की जमानत रद्द करवाने की तैयारी में लग गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग ने धनंजय की जमानत रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में नियुक्त सरकारी वकीलों से राय मांगी है और उम्मीद जताई जा रही है कि वकीलों की हड़ताल खत्म होने के बाद हाईकोर्ट खुलने पर धनंजय की जमानत रद्द करने के लिए जरूरी औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को धमकाकर उससे रंगदारी मांगने के मामले में धनंजय को पिछले साल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल ही 27 अगस्त को धनंजय की अर्जी मंजूर करते हुए उसे सशर्त जमानत दी थी, लेकिन लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड में धनंजय सिंह की मुख्य साजिशकर्ता बनाकर FIR दर्ज की गई, जिसके बाद लगातार पुलिस धनंजय की तलाश कर रही है। आपके अपने चैनल एबीपी गंगा के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही बाहुबली धनंजय सिंह की जमानत निरस्त करा सकती है। सूबे के गृह विभाग ने इसके लिए हाईकोर्ट में तैनात सरकारी वकीलों से राय भी मांगी है। उम्मीद जताई जा रही है कि धनंजय सिंह की जमानत निरस्त कराए जाने की अर्जी अगले हफ्ते हाईकोर्ट में दाखिल की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में धनंजय सिंह की मुश्किलें ना सिर्फ बढ़ेंगी बल्कि दोबारा गिरफ्तार होकर जेल जाने पर उसका आसानी से बाहर आ पाना मुमकिन नहीं हो सकेगा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 27 अगस्त को बाहुबली धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कई शर्तें भी लगाई थी।
इन शर्तों में ये था कि जेल से बाहर आने के बाद धनंजय सिंह किसी आपराधिक घटना में शामिल नहीं होगा, वो जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करेगा और साथ ही साथ सबूतों व गवाहों को प्रभावित करने का काम नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार अब इसी को आधार बनाकर धनंजय सिंह की जमानत निरस्त कराने की तैयारी में है। और वहीं लखनऊ में विमेन पावर लाइन 1090 मुख्यालय में विस्फोटक की एक कॉल ने हड़कंप मचा दिया। सुबह करीब 11 बजे किसी महिला ने वुमेन पावर लाइन के कॉल सेंटर के नंबर पर फोन करके बम धमाका करने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के होश उड़ गए। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने 1090 मुख्यालय पर जाकर छानबीन शुरू की, लेकिन बम या विस्फोटक सामग्री जैसी कोई चीज नहीं मिली और इस दौरान हड़कंप मचा रहा। अफवाह साबित हुई बम से उड़ाने की धमकी। वुमेन पावर लाइन को धमकी दी गई थी, ये कहा गया था एक महिला की तरफ से कि आधे घंटे में यहां पर धमाका हो जाएगा। हालांकि 2 घंटे तक तलाशी की गई, लेकिन ये जो फोन कॉल थी ये अफवाह साबित हुई। वहीं आगरा में ताजमहल में बम की सूचना देने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी फिरोजाबाद के नारकी थाना इलाके से हुई है। आरोपी युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ताजमहल में बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया था। हालांकि बम स्क्वाड के सर्च ऑपरेशन के बाद बम की खबर झूठी निकली थी। तो ताजमहल में बम की अफवाह फैलाई थी और जो आरोपी है उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है आरोपी। हालांकि सख्त कार्रवाई ऐसे अफवाहियों पर पुलिस करती है। और जो लखनऊ वाला मामला है 1090 मुख्यालय का, उसमें भी पुलिस फोन करने वाले की तलाश कर रही है। तो दो अफवाहें आ जुड़ी, पहली आगरा में जहां पर यह कहा गया कि ताजमहल में बम लगाया गया है, वहीं दूसरी 1090 मुख्यालय में बम लगाया गया है। और दोनों ही जो फोन कॉल थी वो फर्जी निकली, अफवाह निकली। हालांकि आगरा वाले मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन लखनऊ वाला जो मामला था अफवाह उड़ाने का, उसमें तलाश आरोपी की जारी है। एक महिला ने फोन किया था और 2 घंटे की मशक्कत के बाद वहां भी पता चला कि बम नहीं लगाया गया था। और गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋण से किसानों को मदद मिली, हमारी सरकार ने लोगों को ऋण दिलाया है। सीएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिला है, प्रति व्यक्ति आय लोगों की बढ़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 से यूपी की तस्वीर काफी बदली है। देखा, 4 वर्ष के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बैंक और वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर के 50 लाख एमएसएमई यूनिट को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने और उसके माध्यम से प्रदेश के अंदर करोड़ों लोगों को रोजी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। और मेरा अनुमान है कि यह स्थिति बनी रहे तो हम लोग इसको नेशनल एवरेज, राष्ट्रीय एवरेज के अनुरूप उसको हम लोग पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। गोरखपुर के एक बार फिर से सीएम योगी बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम योगी ने सालों से बंद पड़े खाद कारखाने को दोबारा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने गोरखपुर के उसी खाद कारखाने का दौरा किया। इस दौरान सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने किसानों से वादा किया कि खेती किसानी के काम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। खाद कारखाने का निरीक्षण कर सीएम ने संतोष जताया, साथ ही भरोसा दिया कि खाद कारखाने के निर्माण में राज्य सरकार का हर तरह से सहयोग मिलेगा। यहां पर ये फर्टिलाइजर कारखाना लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत से तो ये प्लांट यहां पर स्थापित हो रहा है। अनुमान करिए जी, इतना बड़ा प्लांट लगना, इतना बड़ा निवेश, एक तो ये गोरखपुर में एक ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से यहां पर स्थापित होने जा रहा है। हमारा जो है यहां पर जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है बहुत अच्छे ढंग से, उसकी प्रोग्रेस के बारे में अभी माननीय उर्वरक और रसायन मंत्री जी इसके बारे में बताएंगे ही, लेकिन यह एक उपलब्धि है। 1990 में जो कारखाना बंद हो गया था, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण 2016 में उसका शिलान्यास होता है और उसके बाद इस पे कार्य 17 के बाद इसमें कार्य प्रारंभ हुआ।
इतना बड़ा निवेश बहुत दिनों के बाद गोरखपुर में, यानी फर्टिलाइजर कारखाना भी लगेगा, 8,000 करोड़ रुपए का निवेश ये है, और साथ साथ एम्स गोरखपुर में लगभग अंतिम चरण में उसका काम भी चल रहा है। तो ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट गोरखपुर के हैं, और भी बड़े बड़े कार्य यहाँ पे चल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से विकास की एक नई ऊंचाइयों को गोरखपुर प्राप्त कर रहा है। उसमें HURL एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। मैं एक बार फिर से माननीय श्री TV सदानंद गौड़ा जी का आज की इस PC में और इस निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अभिनंदन करता हूं। जो कुछ काम बाकी है, ये अच्छा समय है काम करने का, अनुकूल वातावरण है, COVID-19 लगभग समाप्ति की ओर है, और इस हम सकारात्मक माहौल में कार्य करके इसको और तीव्रता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। मैन पावर की आपूर्ति होनी है, या जहां पे ट्रेंड मैन पावर के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, उस कार्यक्रम को हम तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। टोय और अन्य जो कंपनियां हैं, PDIL आदि के द्वारा जो ये कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, इसको और तीव्रता के साथ एक साथ सभी कार्यक्रम चलेंगे, तो मुझे लगता है कि हम समय से पहले इस कार्य को, इस प्लांट को तैयार करके और उस पर आगे के ट्रायल प्रारंभ हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा प्रयास होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वयं गोरखपुर में उन्हें आमंत्रित करके इस प्लांट को यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित करने और किसानों, कृषकों, युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के इस लक्ष्य को प्रदान करने में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज झांसी में थे, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से UP सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश सरकार की योजनाओं को काली योजनाएं बता डाला। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथरस की घटना का हवाला देते हुए कहा कि यूपी में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उससे साफ है कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वहीं इटावा की लॉयन सफारी के शेरों को गोरखपुर चिड़िया घर भेजे जाने के मामले पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए क्या कहा, सुनिए। तो सुनवाएंगे आपको कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने तंज कसा है लॉयन सफारी को लेकर, लेकिन कई मसलों पर अखिलेश यहां पर योगी सरकार पर बरसे। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन पर बैठे किसानों को आज 99 दिन पूरे हो गए, और कल किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने की अपील करते हुए कहा कि 100 दिन पूरे होने पर आंदोलन फिर से तेज किया जाएगा। राकेश टिकैत ने आज एक बार फिर दोहराया कि किसान का यह आंदोलन लंबा चलने वाला है। मेरठ में कृषि कानून के विरोध में किसानों ने 25 क्विंटल गन्ने की फसल को जला दिया। 25 क्विंटल गन्ने की फसल को आग के हवाले किया गया। गन्ने के क्रय केंद्र पर गन्ने की फसल को आग के हवाले कर दिया गया। आप देखिए किस तरीके से क्रय केंद्र पर किसान का गन्ने को आग लगा दी गई। कृषि कानून के विरोध में 25 क्विंटल गन्ने को आग लगा दी। और गाजियाबाद में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। पांडव नगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों की GDA उपाध्यक्ष के साथ बैठक हुई, जिसमें सहमति बनी कि औद्योगिक इकाइयों का ध्वस्तीकरण नहीं होगा और आगे कोई भी नोटिस नहीं जारी होगा। गाजियाबाद औद्योगिक फेडरेशन के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने एबीपी गंगा का शुक्रिया अदा किया। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही।